I'm... अस्सलामु अलैकुम जी, आपको कहते हैं खुशामदीद। और जोर का जोड़ में आज जनाब मैच हो रहा है इंडिया और श्रीलंका का, और श्रीलंका ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया, जो मुझे लगता है उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा है। 172 रन इंडिया जनाब अब तक बना चुका है महज एक खिलाड़ी आउट पर। तो देखते हैं कि अब ये मैच कहाँ पर जाएगा। हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, लगता है मुश्किल खड़ी हो गई है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और अब तक जैसे बैटिंग की है इंडिया ने और इससे पहले जो 6 मैचेस जीते हैं उसको देखते हुए, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं उसकी आप देखें कि उसी कारकर्दगी को दोहरा रहे हैं। इससे पहले जो 6 मैचेस में कमोबेश उनके तमाम अहम खिलाड़ियों ने बैटिंग के शोबे में जो किरदार अदा किया है, अभी तक शुभमन गिल और विराट कोहली खेल रहे हैं, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है अब तक, और जिस तरह से मैच को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने चलाया है, जहां पर उनको लगा कि अभी थोड़ा रन्स बनाना तेरी तो मुश्किल है, वहां पर वो अच्छी गेंदों को उनकी इज़्ज़त करते रहे, बॉलर्स की इज़्ज़त करते, लेकिन जैसे जैसे सेट होते चले गए हैं तो उसके बाद आप देखें कि बड़े ही शानदार अंदाज में ग्राउंड के अतराफ में हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेले, ग्राउंड शॉट्स खेले, प्लेस कर रहे हैं बड़ा बहुत अच्छा गैप। आज रोहित को क्या हुआ है? अच्छा बॉल एक जो आउट हुए हैं, देखें उनका इस वर्ल्ड कप में जो जिस अंदाज से वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं वो खुला खेलते हैं और जारहाना अंदाज से खेलते हुए जाते हैं, चूँकि उनकी टीम अपनी टीम के लिए उन्होंने किरदार पकड़ा हुआ है इस वर्ल्ड कप में कि अटैक करना है शुरू में, और नए गेंद के साथ बहुत मुश्किल होता है कि हर मरतबा आप जाएं और जारहाना अंदाज से तेज़ी के साथ रन्स बनाएं, और वो उन्होंने बनाए भी हैं इस वर्ल्ड कप पे उन्होंने बनाए भी हैं, एशिया कप पे भी उन्होंने बनाए, कभी कभार आपको आप आउट भी होते हैं, तो वो आज उनके साथ वही हुआ। लेकिन उसके बाद उनके आउट होने के बाद जिस तरह शुभमन गिल ने और विराट कोहली ने बैटिंग की है वो देखने लायक है। आप देखें कि विराट कोहली और शुभमन ने पेस इनिंग्स की क्या रखी है, इनिंग्स की पेस इतने शानदार अंदाज में कि विराट एक को दो को तीन लेते, दोनों ही सेंचुरीज होने वाली हैं, दोनों की एक 82 एक 81 पे और एक 85 पे, और विराट अगर ये सेंचुरी करते हैं तो उनकी ये 49वीं सेंचुरी होगी। अच्छा। वनडे क्रिकेट में, और वो सचिन तेंदुलकर का जो आज रिकॉर्ड है 49 सेंचुरियों का वनडे क्रिकेट में, वो बराबर कर देंगे आज का 100, आज अगर वो 100 करते हैं तो। अच्छा। क्योंकि मेरा ख्याल उनके 85 रन पे होंगे इस वक्त, मेरा ख्याल है 85 15 रन उनके बाकी हैं और उनको सिर्फ 3 बाउंड्रीज की ज़रूरत है, यानी कि अगर 2 छक्के लगाते हैं और 1 चौका लगाते हैं तो उसके बाद वो 100 हो जाएगा उनका। लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, जिसमें आपको जहानत नज़र आती है, इसमें आपको काबिलियत नज़र आती है, इसमें आपको समझदारी नज़र आती है, इसमें आपको खेल से लगन नज़र आती है कि आपके हज़ारों रन हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है जी, अगर आप मजमू तौर पर सारी क्रिकेट को देखते हैं तो वो कई हज़ार रन उनकी जो T20 क्रिकेट है, वन डे टेस्ट और इंटरनेशनल T20 को देखते हुए तो कई। अच्छा, और आज वो बड़ा रिलैक्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखे खेल रहे, उन्होंने वो भी नहीं पहनी हुई अपनी कैट भी, वो फेस वाली नहीं पहनी हुई, हेलमेट नहीं है, हेलमेट ऑन ऑफ कर रहे हैं कि जैसे ही फास्ट बॉलर आता है तो वो हेलमेट पहन लेते हैं, जैसे ही फास्ट बॉलर तब्दील होते हैं, और ये भी बड़ी उनकी बड़ी ना वो भी कर रहे हैं आज, श्रीलंकन फील्डर्स भी खासी मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको रन बनाने का मौका कर लो, भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है ना, बड़ी सीरियस डिस्कशन मैच पर कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा कोई ऐसा कॉमेंट आ जाए तो आपकी डिस्कशन का रुख मोड़ देता है। मैं अभी देख रही थी किसने लिखा हुआ है कि जो मिकी आर्थर के जो स्क्रीन्स के ऊपर शॉट्स आते हैं वो इतने क्यूट है कि आई वांट टू मैरी मिकी आर्थर। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आप पे रहम करे हमारी जान छुट जाए मिकी आर्थर से, आप कर ले। और दूसरा जनाब, कल से इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल की आवाज़ें इसलिए आ रही हैं कि अगर इंडिया टॉप पे फिनिश करता है और पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतता है, न्यूजीलैंड अपने मैचेस हार जाता है, अगर हार जाता है और पाकिस्तान टॉप 4 में फिनिश करता है और इंडिया भी इसी तरीके से अपने मैचेस जीतता है और इंडिया टॉप फोर में आता है जो कि वो है, टॉप 4 में टॉप पर फिनिश करता है, नंबर 1 टीम होती है पॉइंट्स के एतबार से, तो फिर उनका नंबर 1 का नंबर 4 से मैच होगा, 2 का 3 से होगा, तो पाकिस्तान नंबर 4 पे अगर आता है पॉइंट्स टेबल पे तो पाकिस्तान और इंडिया का एक मरतबा फिर सेमीफाइनल हो सकता है, जिसकी तवक्को लोग कर रहे हैं और लोग ख्वाहिश भी करते हैं कि एक मैच दोनों का और होना चाहिए पाकिस्तान और भारत का, तो उस एक मैच के लिए लोगों को अब इंतज़ार भी है, लोग उसके लिए पाकिस्तान के लोग चाहते भी हैं कि हो जाए। श्रीलंका का भी आज हारना ज़रूरी है। हाँ, श्रीलंका का हारना इसलिए भी, श्रीलंका को वैसे फ़र्क कुछ ज़्यादा पड़ना नहीं है, उसने तो हारना ही है,
श्रीलंका ने हार नहीं है उसको बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि अभी देखे ना 30वां ओवर शुरू हुआ है तो 185 रन हो गए हैं, और अगर बाकी 20 ओवर्स में इंडिया अगर 100 जो कि बहुत कम रन में अगर 150-200 रन भी करता है तो लगभग इन्होंने 350 से ऊपर चले जाना, जो कि इससे रन ज़्यादा हो सकते हैं अगर कम विकेटें गिरती हैं और ये 50 ओवर्स पूरे खेल जाते हैं तो रन इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इतने रन हो जाएंगे तो फिर क्या श्रीलंका के लिए आसान तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अभी मेरा ख्याल है कि जब हम ये शो कर रहे हैं इसी दौरान हम 2 सेंचुरियाँ देखेंगे देख लेंगे। और ये जो ये हिंदुस्तान ने आज हार्दिक पांड्या की जगह सूर्या कुमार यादव को चुना है, सो हार्दिक पांड्या आगे मैचेस में, हार्दिक पांड्या को अनफिट हो गए हैं, वो 2-3 मैचेस खेल नहीं पाए हैं, और इससे पहले उन्होंने सूर्या कुमार यादव पिछला मैच भी खेले थे उससे 2 मैचेस मेरा ख्याल वो खेल नहीं पाए अपनी इंजरी की वजह से, और अभी भी उनकी इंजरी के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। पांड्या के बारे सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो अगर वापस आते हैं टीम में तो सेमीफाइनल में आते हैं, 2 मैचेस हाँ नहीं खेल पाए क्योंकि दोनों मैचेस में मोहम्मद शामी उनकी जगह पर आए थे, हार्दिक पांड्या की जगह पर शामी आए थे और शामी ने 1 मैच में 5 आउट किए और 1 मैच में 4 आउट किए, तो 2 मैचेस में उन्होंने 9 विकेटें ली, 2 मैचेस में उन्होंने 9 विकेटें ली, और उन्होंने उनकी कमी इस लिहाज से बॉलिंग के शोबे में नहीं महसूस होने दी। और जब सूर्या कुमार यादव खेले तो सूर्या ने जो आखिरी मैच था जो इंग्लैंड के खिलाफ था उसमें बिल्कुल अपनी जो उनकी जारहाना अंदाज है या जो रिवायती खेल के लिए जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं उससे बहुत हटकर क्रिकेट खेली, और उन्होंने बैटिंग में बड़े अच्छे रन्स जोड़े अपनी टीम के लिए जिसकी वजह से वो 232 तक रन्स बनाने में इंडिया कामयाब हुआ, और फिर उन्होंने इंग्लैंड को उन रन से मतलब मेरा ख्याल है कि काफ़ी 100 या ज़ायद रन से हराया था इंग्लैंड को, तो सूर्या ने भी परफॉर्म किया। आपने भी पहले भी बताया था कि कोहली के लिए हमेशा से कहा जाता है कि ही प्लेज क्रिकेट फॉर हिमसेल्फ नॉट फॉर द टीम, सो आज अगर ये कर लेते हैं अपनी सेंचुरी और रिकॉर्ड बराबर कर देते हैं सो वो इमेज टार्निश होगा? नहीं, असल में ये कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि शायद वो अपने लिए खेलते हैं, जैसा कि हमने चंद रोज पहले जिक्र किया था कि भारत में एक अखबार में ये लिखा गया और उसके बाद लोगों ने उसका बड़ा भ्रम लाया और अखबार जो है उसकी कॉपीज उन्होंने जला डाली, ठीक है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले विराट कोहली एक बहुत ही शानदार टीम मैन है, बहुत ही शानदार टीम मैन है। आप देखें कि उनका 288वां मैच है, यानी कि 288 मैच वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ वनडे मैचेस। इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी और ये जिस तरह शुभमन गिल छक्के और चौके लगा रहे हैं ना, इनकी बैटिंग देखने का भी अपना ही एक मज़ा है। वापस आते हैं विराट कोहली के ऊपर, उनके बारे में ये कहना कि वो टीम मैन नहीं है अपने ज़ात के लिए खेलते हैं, ये बहुत ही एक इतना नामुनासिब सी सोच है, चूँकि विराट कोहली अगर खेलते हैं तो उसका सबसे पहला फ़ायदा उनकी टीम को होता है। विराट कोहली की ही कप्तानी में इंडिया की टीम ने बाहर के मुल्कों में जाकर मैचेस जीतना शुरू किए, टेस्ट मैचेस, टेस्ट सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा हराया इंडिया ने। शाहिद कपूर भी मैच देख रहे हैं, देखें जी मुंबई में कपूर सोहा अली खान, हाँ मुंबई में मैच हो रहा है और काफी सारे लोग ये जो बार बार कैमरा जा रहा है ना ये मशहूर मारूफ लोगों पर ही जा रहा है, हाँ, वैसे क्राउड भी बहुत लुत्फंदोज हो रहा है, उसकी एक वजह तो ये है कि बैटिंग बड़ी शानदार, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, फिर शाहिद कपूर साहब ने भी आज जो टिकट उनको भेजी होगी उन्होंने ली होगी, दोनों सूरतों सोहा अली खान वो उनके तो फादर भी बड़े लेजेंडरी पटौदी खानदान के, वो नवाब मंसूर पटौदी साहब काफी मशहूर रहे हैं, और इसलिए ये जो आप देखे ना गिल साहब आ गए 92 पर, विराट है 87 पर, तो ये जो कॉम्बो है ना इन दोनों का ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि शुभमन गिल के बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट में अगर कोई विराट के बाद उस सतह पर पहुंचने की या वैसा ही क्रिकेटर है या जिसको इंडिया वाले वैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो उनको स्टेडियम तक खींच के लाने की एक वजह बन सकता है वो शुभमन गिल है, और विराट कोहली उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा विराट एज ए कैप्टन या रोहित एज ए कैप्टन, दोनों ही दोनों ने अपनी अपनी जगह पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, बहसीत कप्तान भी देखें उनके पास, दोनों के पास एक है कि अभी तक कोई विराट जो है वो बहसीत कप्तान ICC इवेंट नहीं जीत पाए थे जिसकी वजह से उनको तनकीद का सामना रहा, लेकिन वो आउट हो गया जी। शुभमन गिल तो जो है वो 92 पर हो गए हैं आउट, बैड लक थी, हो जाना चाहिए थी सेंचुरी।